नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 3 यूपी पीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए हो रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है यूपी पीसीएस के, पीसीएस 2020 प्रीलिम्स, बीईओ और आरओ तीनों के लिए, प्लस जो बाकी यूपी पीसीएस के एग्जाम होते रहते हैं उनके लिए भी जीएस यहाँ से कवर की जा सकती है। एक चीज और है, आप लोग कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएससी के लिए भी है जरूरी। अब देखिए, जहां जहां भी जीएस आती है वहां वहां जरूरी है, सिंपल सी बात है। बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है उसकी चर्चा करें शुरुआत में, एक मिनट, 150 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, उसमें से जीएस के क्वेश्चन होते हैं ना 120 से ज्यादा। बिहार का तो पोर्शन सिर्फ 20 क्वेश्चन का ही है, 20-25 क्वेश्चन का। तो यानी कि 150 जो नंबर का, 150 जो क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी में, उसमें से करीबन 130 जो नंबर है वो टोटल जीएस के, तो वो यहां से कवर किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, बस ये जरूर है कि जो यूपी की जीके वाला पार्ट आएगा वो आप स्किप करते जाइएगा, जो नॉर्मल जीएस वाला है वो आप देखते जाइएगा, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या यूपी की स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो पूरी जो है कच्चा चिट्टा खोल के रख देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। ये रिपोर्ट तो सिर्फ 12 पन्ने की थी लेकिन मुझे बनाने में इसको 6 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा है। सारे डायग्राम में क्लियर करें, सिर्फ आप 4-5 डायग्राम देखो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। समझ रहा है ये? टेलीग्राम में जैसे जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में आप एक नंबर रजिस्टर करके अपना जो है उसमें आपका व्हाट्सएप नंबर हो जाता है, वैसे टेलीग्राम में रजिस्टर करके आपका टेलीग्राम नंबर हो जाएगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करके @studyforsivilservices जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @onlyupipsc ये दो हमारे चैनल है, इनको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम यूट्यूब में पूरे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, फिर आपके जो है नोटिफिकेशन मिस होते जाएंगे। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे कैसे ये सब बनाई गई है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत मजा आ जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लोगे। पूरे जो है इसमें यूपी के फैक्ट भी इसीलिए इंक्लूड करे गए हैं, जीके वाला भी फैक्ट है। इंग्लिश हिंदी मत करेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों सब कुछ हर जगह पे है, मैं पहले आपको फाइल ही दिखा दे रहा हूं, वरना इंग्लिश हिंदी बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए सारी चीजें जो है यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहले यूपी फॉरेस्ट से देखने से पहले यूपी का जरा मैप देखते हैं। यहाँ पे ये फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट कवर मैप है यूपी का, लेकिन इसी में मैंने पूरा जो है यहाँ पे थीम जाम करके बहुत जरूरी जो डेटा है यूपी का जो बार बार पूछा जाता है वो सब इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। देखिए यूपी का एरिया जो है टोटल मिला के 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर का है, और यूपी जो है पूरे इंडिया के एरिया का 7.33% एक्वायर करता है, मतलब पूरे इंडिया का जितना परसेंट एरिया है उसमें से 7.33% यूपी के पास है। अच्छा बताइए यूपी एरिया वाइज किस नंबर पे है, पॉपुलेशन वाइज किस नंबर पे है, ऐसे लास्ट तक मैं कई सारे सवाल पूछूंगा, आपको एक साथ जवाब देना है, ठीक है। जो भी ऐसे जवाब करेगा उसका जो है कमेंट जो है टांग दिया जाएगा, पिंड कर दिया जाएगा। फिर देखिए यूपी का अगर आप लैटिट्यूड देखें, नॉर्थ लैटिट्यूड में 23° 52' से लेके 31° 28' तक है ये, मतलब अगर आप ये ऐसे देखेंगे पूरा यूपी को, मैप को थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपको मैप दिख रहा है पूरा, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो है आपका, ये वाला पॉइंट है नॉर्थ का, और ये वाला जो पॉइंट है जो सोनभद्र है, साउथर्न मोस्ट है ना क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, और जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट यूपी का कौन सा है, सहारनपुर है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका कितना है, 23° 52' नॉर्थ है, और ये वाला कितना है, 31° 28' नॉर्थ है। और ईस्ट से लेके अगर आप ईस्ट तक कितना जो है लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे, देखिए यूपी का जो वेस्टर्न मोस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो शामली, ठीक है। यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलिया, ये सब मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। तो यहां पे यूपी की जो जो टोटल पोजीशन है 77° 30' ईस्ट से लेके यहां तक है, कितना 84° 39' ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है, ये हो गई टोटल पोजीशन। अब अगर ईस्ट से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेजर करें तो ये कितनी है आपकी 650 किलोमीटर की, ठीक है। और नॉर्थ से लेके साउथ तक की अगर आप लेंथ करेंगे तो ये कितनी है आपकी 240 किलोमीटर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ कुछ बेसिक फैक्ट मैंने यहां पे निकाले हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले डायग्राम में बहुत सारी चीजें यहां पे करी गई हैं,
बहुत सारी ट्रिक है, सब कुछ यहां पे मैंने जो है घोल के बिल्कुल रख दिया है, निचोड़ है पूरा ये, समझ रहे आप। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, यूपी कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, टोटल यूपी 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें नीचे चलते हैं, ये जो है मैंने ये देखिए ये आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, ये जो है उसको और आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, ये दो यहां पे वो बना दिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, इसमें ये समझ में आ रहा है कि यूपी का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, वो है सहारनपुर, और वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। वो यूपी का जो साउदर्न मोस्ट जिला है वो कौन सा है, सोनभद्र, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक है छत्तीसगढ़, एक है मध्य प्रदेश, एक है झारखंड और एक है बिहार। लेकिन अगर आप उसके देखेंगे कि यूपी के सबसे साउथ में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यूपी का ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन सा है, बलिया, ये बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। यूपी का वेस्टर्न मोस्ट शामली, ये हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये देखिए पूरा यहां पे एक मैप में सब कुछ आ गया, ये डायग्राम बिल्कुल बनाया गया, बहुत ज्यादा मेहनत करी गई है भैया जी। उसके बाद देखिए ये है यूपी, अब यूपी के सराउंडिंग में कौन कौन से जो है स्टेट है, अगर आप इसकी बात करें, यूपी के नॉर्थ में है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से 7 जिले यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक। यूपी की एक इंटरनेशनल बाउंड्री है नॉर्थ में नेपाल के साथ, उसके भी 7 जिले जो है यूपी के 7 जिले नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। यूपी के वेस्ट में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यूपी के साउथ वेस्ट में मध्य प्रदेश जो है वेस्ट में भी फैला है, साउथ वेस्ट में भी फैला है यूपी में, और यूपी के साउथ में एग्जैक्टली कहां कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी के ईस्ट में है बिहार। ये देख रहे हैं आप, ये आज तक मैं आपने देखा ही नहीं होगा, इसको बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएंगे डेवाइस सीरीज को आप लोग यार, लेकिन बड़ी जो है शिकायत है आप लोगों से, आप लोग देखिए अगर आपको अच्छा लगा करे तो लाइक किया करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ करो, अपने जिंदा रहने का एहसास तो दिलाओ। चलो खैर ये और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ये मैप है जो ये, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं लिख दी बस कि मुंह उठाया और लिख दिया, इसका कुछ मतलब है, क्या मतलब है समझते हैं। चलिए नेपाल से यूपी इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है, कितने किलोमीटर की है ये, 589 किलोमीटर की, 579 किलोमीटर की। कितने डिस्ट्रिक्ट यूपी के जो है वो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए एक है आपका पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी हो गया, फिर बहराइच हो गया, फिर श्रावस्ती हो गया, फिर बलरामपुर सिद्धार्थनगर महाराजगंज, यही जो है यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, छोटी सी है वो मैंने अपने समझने के लिए लिखी है, लेकिन ये समझ लिया 7 जिले हैं यूपी के जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप चले तो यूपी से उत्तराखंड के कितने जिले जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, 7 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं आखिर, वो है आपके सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली और पीलीभीत। तो 7 जिले उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं यूपी के, 7 जिले नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब अगर आप बात करें हरियाणा से यूपी के कितने जिले जो है लगते हैं, तो ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 जिले हैं। नॉर्थ से लेके अगर आप साउथ की तरफ चलेंगे तो हरियाणा से देखिए सबसे नॉर्थ में है आपका सहारनपुर, ठीक है, उसके उसके जो है अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये वाला जो है आपका शामली होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शामली होना चाहिए, सहारनपुर शामली, ठीक है, शामली हो गया, फिर उसके बाद बागपत हो गया, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, ये हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है, और आपका जो है अलीगढ़ हो गया और मथुरा हो गया, ठीक है। तो आपके हरियाणा से कितने यूपी के शेयर कर रहे हैं, 6 जिले हो गए, सहारनपुर शामली बागपत और गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से कितने यूपी के जिले जो है सटे हुए हैं, वो है 2, एक है गाजियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर। यूपी के कितने जिले जो है राजस्थान से बाउंड्री शेयर करते हैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगरा और मथुरा, 2 जिले हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे यूपी के सबसे ज्यादा जो है बाउंड्री किससे शेयर होती है, यूपी की अगर आप देखें सबसे ज्यादा किस राज्य से बाउंड्री शेयर होती है, वो है एमपी। सबसे कम किस राज्य से बाउंड्री शेयर होती है, वो है हिमाचल प्रदेश। ऊपर देखा था सहारनपुर कुन्ने में जो है छोटा सा जो है चपका हुआ बैठा था वहां पे, समझ रहे हो आप। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं और सबसे लंबी बाउंड्री है, ये देख सकते हैं आप, यहां से लेके पूरी जो है चालू हुई है मध्य प्रदेश की बाउंड्री और बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा के यहां तक आई है,
इतना बड़ी बाउंड्री है ये टोटल मिला के। अच्छा बताइए इसके यूपी के मध्य प्रदेश की जो ये सीमा है ये जो लंबाई कितनी है, ये जैसे नेपाल में बताया कि कितनी है ये 579 किलोमीटर, ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे। 11 जिले कौन कौन से जो यूपी के एमपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, वो आपका हो गया एक तो आगरा हो गया, एक हो गया इटावा हो गया, एक जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया। ललितपुर ऐसा जिला है यूपी का जिसको एमपी तीन साइड से घेरे हुए, देख रहे हैं आप, वेस्ट से, ईस्ट से और जो है साउथ से, तीन साइड से घेरे हुए हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ललितपुर हो गया, फिर आपका जो है महोबा हो गया, फिर आपका बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और जो है मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो ये 11 जिले हैं एमपी के जो यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये कुछ कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था मैं। फिर और कौन कौन से स्टेट से जो है यूपी शेयर करता है, जैसे आपका अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ से सोनभद्र करता है, ठीक है, और झारखंड से भी सोनभद्र करता है। सोनभद्र इकलौता ऐसा इंडिया का जिला है जो चार राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, समझ रहे हैं आप बात, कौन कौन से चार राज्य हो गए, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि यूपी में यूपी के कितने जिले बिहार से बाउंड्री शेयर करते हैं, आप इस मैप को देख के बताइए या फिर यूपी जीके का पापा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया पूरा, इसमें आगे की तरफ चलते हैं, ये बोर्ड बदतमीजी करना जो है मानता नहीं है, ये आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये वाला मैंने बता दिया आपको पूरा, इस वाले मैप का काम खत्म। अब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ये चार जो है सिर्फ डायग्राम में पूरा डेटा खत्म, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा फैक्ट है बस। देखिए क्या क्या फैक्ट है, ये है 2017 का डेटा, ये है 2019 का डेटा। ठीक है, आईएसएफआर रिपोर्ट 2019 को कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया हुआ है, 52 मिनट का वीडियो है, आप जो है यूट्यूब में सर्च करेंगे आईएसएफआर 2019 कंप्लीट एनालिसिस बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, उसमें सारे टर्म्स की मीनिंग बताई गई है, वो देख लीजिएगा। अभी जो है हम लोग एग्जाम की बात करें सिर्फ, तो 2017 में ये चीजें थी और 2019 में ये हो गई, और इतना जो है ग्रोथ और लॉस हो गया, सारा एक ही में टेबल में कवर हो गया, ऐसा किसी ने नहीं बताया। फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है, जो है आपका वनावरण। ट्री कवर का मतलब क्या होता है, वृक्षावरण। इतना कॉमन सेंस तो लगा लोगे ना, बस हो जाएगा। 2017 में फॉरेस्ट कवर कितना था, 14,679 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 14,679 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यूपी के एरिया का कितना था, 6.09%। ये बढ़ के कितना हो गया है, 2019 में 14,805 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है, और एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो 6.15% हो चुका है यूपी के एरिया का। ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है, 126.65 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, 126 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है फॉरेस्ट वाले में, फॉरेस्ट यानी कि वनावरण में, समझ रहे हो। अब अगर पूछ रहे इससे कितने सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, इसमें यह निकाला जा सकता है भैया जी ऐसा है, 2019 की जो आईएसएफआर की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से फॉरेस्ट कवर यूपी के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, तो कितना हो गया, 6.15%। एरिया वाइज पूछ रहे तो कितना है, 14,805 स्क्वायर किलोमीटर। अब वही ट्री में देख लीजिए आप, ट्री में भैया 2017 में इतना था, दो दो साल पे होती है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट वाली, तब 3.09% था ये टोटल एरिया का और 7,442 स्क्वायर किलोमीटर था। अब कितना हो गया, ये ट्री कवर घटा है, वृक्षावरण जो है यूपी का घटा है, ये कितना घट गया है, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इसका घट गया है, 7,342 स्क्वायर किलोमीटर बचा है इस समय 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 2019 में अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया जी और बहनी जी ट्री कवर अगर आप बात करें 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो यूपी के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 3.04% है, और टोटल एरिया कितना है, 7,342 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल अगर आप बात कर लें तो भैया टोटल वृक्षावरण और वनावरण कितना था, 22,121 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी कि टोटल एरिया का 9.18% था। अब कितना हो गया है, 22,147 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, बस सिंपल, कितना हो गया है, 9.19%, यानी कि 0.01% बढ़ा है, यानी कि 26 स्क्वायर किलोमीटर का बस इंक्रीज हुआ है बस। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ट्री जो है पेड़ घटे लेकिन वन बढ़े, ये जरूर याद रखिएगा। एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जितना जो है रिकॉर्ड मिलते हैं, ग्रीन वॉच वाला है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं,
आगे देख लीजिए, ये तो है एक टेबल में सब कुछ मैंने निपटा दिया है यहाँ पे, समझ रहे हो आप, पूरा जुगाड़ जो है यहाँ पे बिठाया गया है आपने, ये इसमें जो है पूरा मैंने इसको इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत मेहनत करी है, आपने बताया जरूर देखें, इस पूरे तीन डायग्राम में पूरी की पूरी रिपोर्ट खत्म। कार्बन स्टॉक पहले कितना था, कार्बन स्टॉक था 2017 में 125 मिलियन टन था, अब कितना हो गया 115 मिलियन टन हो गया है, कितने के बराबर था ये, मतलब कार्बन स्टॉक वही होता है कि पेड़ जो होते हैं पेड़ से जो है टोटल जितने भी उसके अवशेष बचे हुए हैं कितना CO2 जनरेट हो सकता है, तो वो कितना था तब 458 मिलियन टन CO2 के जो है इक्विवेलेंट था, अब ये थोड़ा कम हो गया 424 मिलियन टन के बराबर हो गया है, परसेंटेज वाइज पहले कितना था 1.77% था, अब हो गया है 1.62%, समझ रहे हो ना, तो इसमें पूरी पूरी जो है रिपोर्ट की समरी हो गई। अब भैया टॉप वाले देख लो, टॉप में कौन है जो है, बॉटम में कौन है, टॉप पांच जो है एरिया वाइज परसेंटेज वाइज कहां सबसे ज्यादा बढ़ा है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, इसके लिए वीडियो कई लोगों ने बनाया लेकिन कुछ कुछ एरर है उनके वीडियो में, तो शायद ही हो सकती है टाइपिंग वाली, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक चीज चेक करी है ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल से तब मैं लाया हूं यहाँ पे, तो टॉप फाइव जो है वन क्षेत्रफल यानी कि फॉरेस्ट कवर वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो टॉप फाइव कौन से हो गया, एक तो सोनभद्र हो गया 2540 स्क्वायर किलोमीटर, खीरी हो गया 1273 स्क्वायर किलोमीटर, मिर्जापुर हो गया आपका 803 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए ये क्या लिखा है, मतलब कि 1.29 वर्ग किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, ठीक, इसमें जो है 9.94 का एरिया घटा है, मिर्जापुर में 1.27 यानी कि 1.27 यहां पे स्क्वायर किलोमीटर घटा है, पीलीभीत में 0.89 घटा है, ये परसेंटेज नहीं है ये एक्चुअल एरिया है, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में कितना है 0.4 बढ़ गया है, तो टॉप थ्री भी याद रहे, सोनभद्र है, सोनभद्र जो है दोनों तरफ है, चाहे आप परसेंटेज टोटल एरिया की बात करें चाहे परसेंटेज की बात करें, सबसे कम किसका है वन कवर यानी कि फॉरेस्ट कवर, वो है आपका संत रविदास नगर भदोही 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 3.12 है, ये पहले से 0.12 बढ़ गया है, मऊ में 11 स्क्वायर किलोमीटर है, उससे ज्यादा सेकेंड हाइएस्ट, सॉरी सेकंड लोवेस्ट, फिर जो है मैनपुरी और फिर संत कबीर दास नगर, सॉरी संत कबीर नगर और देवरिया, तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में, सबसे कम है संत रविदास नगर में, टॉप फाइव की लिस्ट हमने देख ली, परसेंटेज वाइज देख लो। अब देखिए इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें पूरा देख के चेक करके इतनी बड़ी 75 की डिस्ट्रिक्ट की वहां से निकालना डेटा, यही तो बस है काम, ठीक है। इसके बाद देखिए सो ये टोटल जो है परसेंटेज में सोनभद्र नंबर वन पे है 36.79%, फिर चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट, मिनिमम किसके पास है ये, मतलब टोटल जो है इसके एरिया का, सोनभद्र के एरिया का 36% वहां पे फॉरेस्ट है, इसका ये मतलब है, समझ रहे हैं आप, भदोही के टोटल एरिया का सिर्फ 0.31% है, उससे ज्यादा मैनपुर, उससे ज्यादा देवरिया, उससे ज्यादा मऊ, सॉरी बदायूं, उससे ज्यादा मऊ, सबसे ज्यादा सोनभद्र, फिर उससे कम चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट, बस खत्म। ये दो तीन जो है ये टेबल में पूरी की पूरा जो है यहाँ रिपोर्ट यहाँ पे निकाल के रख दी है, ये दो एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है रट ले हो एक, देखिए दो चीजें हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में वृद्धि कहां हुई, हाईएस्ट ग्रोथ कहां पे हुई है फॉरेस्ट कवर में, एरिया वाइज बात कर रहा हूं यहाँ पे, परसेंटेज नहीं है, सहारनपुर में 70 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, नंबर टू पे मुजफ्फरनगर सिर्फ, सॉरी मुजफ्फरनगरपुर है यहाँ पे, ये 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, ये परसेंटेज नहीं है, और सबसे जो है कम जो कहां पे बढ़ा है, सबसे कम अगर आप देखेंगे सबसे कम मतलब सबसे एक्चुअली घटा कहां पे, तो काशीराम नगर में 19.2 यानी कि 19.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घट गया है, ये जो है फॉरेस्ट कवर घट गया है, और बदायूं में करीबन 13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घट गया है, ये चीजें हैं, देखिए सारी चीजें यहां पे कर दी। अब इसमें क्या है भैया, उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर का क्लासिफिकेशन का होता है वो इस वाले मैप से देख लो, पूरी चीजें एक पिक्चर में क्लियर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है भैया कि इसमें देखो ये पूरा जो है वही है, ये देखिए ग्राफ बना है, ठीक है, पाई चार्ट है ये, इसमें क्या है कि टोटल यूपी का जो एरिया है उसमें से नॉन फॉरेस्ट गैर वन कितना है 93.61%, उसके बाद स्क्रब यानी झाड़ियां कितनी है 0.2%, मतलब टोटल यूपी का जो एरिया है उसका 0.24% झाड़ियां है, बाकी जो है हमारा वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में क्या क्या है, एक तो हो गया वेरी डेंस, एक हो गया मॉडरेटली डेंस, एक हो गया ओपन फॉरेस्ट, तीनों का कितना एरिया है 14,805, अभी मैंने बताया ये टोटल एरिया कितना, टोटल यूपी के एरिया का कितना है
6.15%, 6.15%। टोटल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है जो है आपका मॉडरेटली डेंस, उसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब ये सबसे कम है वेरी डेंस वाला। इसका वेरी झाड़ियां कितनी है, ये है एरिया, अगर आप देखना है तो एरिया भैया इधर से देख लो कितना है भैया, ठीक है। यही सब चीजें यहां लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश में वन का वर्गीकरण क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि अति सघन वन हो गए, मीडियम वाले की मध्यम सघन हो गए, खुले यानी कि ओपन फॉरेस्ट हो गए। कुल वन क्षेत्र कितना है, 6.15% है टोटल एरिया का, 14,805 स्क्वायर किलोमीटर का है। स्क्रब कितनी है, 0.24% है। एरिया कितना है, 586 स्क्वायर किलोमीटर का है। सब कुछ दिख रहा है एकदम एग्जैक्टली। तो ये पूरा जो है क्लासी, इसको जो है बहुत ज्यादा इजी करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, काफी देर से बैठा रह गया मैं, ठीक है। फिर ये देखा मैंने कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। खैर नेक्स्ट, इसमें ये कुछ अलग एरिया है, ये थोड़ा सा अलग डेटा है। इसमें भैया क्या है कि पहले से क्या चेंज हुआ है, अभी तक हम लोगों ने ओवर पिक्चर देखा था ओवरऑल, अब भैया इसमें अलग अलग बता दिया गया। ये चार्ट है, इसमें भैया ये वही वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली, ओपन, स्क्रब, नॉन फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखिए पहले 2016 में वेरी डेंस कितना था, 2617 स्क्वायर किलोमीटर, अभी कितना है, 2617 स्क्वायर किलोमीटर, तो कौनो चेंज नहीं हुआ, वही चीज यहां पे लिखी है, जीरो। मॉडरेटली डेंस में कितना था पहले, 4069 स्क्वायर किलोमीटर, अब कितना होगा वहां 4080 स्क्वायर किलोमीटर, कितना चेंज हो गया, 11 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हो गई। ओपन फॉरेस्ट में पहले कितना था आपका, 7993 स्क्वायर किलोमीटर था, अब कितना हो गया है, 8106 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। कितनी वृद्धि हो गई, 116 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। ये एक्चुअल एरिया बढ़ा है, एब्सोल्यूट एरिया, परसेंटेज नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, परसेंटेज वाला कोई टर्म नहीं है, बस एक बार वो टॉप 5 में आया था। झाड़िया है स्क्रिप्ट में, भैया देखो स्क्रिप पहले कितनी थी, स्क्रब में ये कितनी थी, 551 स्क्वायर किलोमीटर थी, ये देख रहे 2017 का ही डेटा, अब कितनी हो गई, 587, इसको माइनस ये कर दो कितना आ गया, 36 स्क्वायर किलोमीटर आ गया। नॉन फॉरेस्ट की बात करें तो पहले ये कितना था आपका, 225,698, अब कितना हो गया, 225,535, कितना घट गया है, 163 स्क्वायर किलोमीटर घट गया है, बस यही इसका मतलब था, समझ रहे हैं आप। चार्ट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, आगे भी मैं सोच रहा हूँ जो ISFR की मैंने वैसे तो वीडियो दे दिया है, उसमें से और ज्यादा चार्ट सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट वाला दूंगा वीडियो, वो प्लस जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस है, बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से, और इसको यहाँ क्लासिफाई करते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ठीक है, इसको ग्रीन वॉश भी बोल देते हैं। ये क्या है, 16582 स्क्वायर किलोमीटर है, टोटल एरिया का 6.88% है। तीन टाइप का होता है, रिजर्व मतलब आरक्षित, प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित, अनक्लास मतलब अवर्गीकृत, ठीक है। तो ये टोटल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का है उसका सबसे ज्यादा परसेंट कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। क्या पता यही पूछने ज्यादा जो है दिमाग खराब हो अगर एग्जामिनर का, कि भैया जो है रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट होता है उसमें तीन टाइप में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा रिजर्व है, उसके बाद अनक्लास वाला है, और उसके बाद प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये अब इसमें जो है पूरा समझ चुका है, अब इसके बाद जो है कुछ कुछ मेन पॉइंट बचे हैं और कुछ कुछ मैप बचे हैं। ये क्या है भैया कि अगर यूपी का आप मैप देखोगे ऐसे करके जो भी ऐसे बना हुआ है पूरा इस तरह से, मेरी इतनी आर्ट अच्छी नहीं है, तो सबसे ऊपर क्या है, शिवालिक रेंज है, ये गंगेटिक प्लेन है, यहाँ थोड़ा थोड़ा विंध्या का एरिया, बस इतना बताया गया है। ये सब हम लोग यूपी जी के पापा में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यूपी का कुछ कुछ फैक्ट लिखा हुआ है भैया, ठीक है, कि जो है ऐसा है कि यूपी में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, बहुत ज्यादा कटिबंधीय है, उसका इंग्लिश भी वर्जन नीचे लिखा हुआ है। वार्षिक वर्षा कितनी है, 1000 mm से लेके 1200 mm होती है, ठीक है, एनुअल जो रेनफॉल होती है। वार्षिक तापमान कितना होता है, 5 degrees to 46 degrees होता है। कौन सी नदियां यूपी में बहती है जो मेजर वाली है, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबा, गंडक, 75 जिले हैं। अच्छा ये बताइए यूपी में एरिया वाइज पूछ रहा हूं, जो है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बताइए, टॉप 3 में से थर्ड हाईएस्ट कौन सा एरिया है, मतलब नंबर वन सब जानते हैं खीरी, वो नहीं पूछा है। सबसे लोवेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो वो है हापुड़, लेकिन आपको सेकंड लोवेस्ट बताना है, ये दो क्वेश्चन और बताइएगा। यही सब चीजें बताई गई है यहाँ पे, कुछ कुछ एक भैया जो है आदिवासी जिला है यहाँ पे, ठीक है, ट्राइबल वाला है, हिल वाले जो है जिले है नहीं, क्योंकि अब उत्तराखंड जो है अलग कर दिया गया है, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, कोई पहाड़ी जिले नहीं। वही सब चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है कि भैया यूपी का जो क्लाइमेट क्या है, यूपी का ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है,
विद ड्राई विंटर्स, जो यानी कि विंटर्स होते हैं यहाँ पे शुष्क होते हैं, बारिश नहीं होती है लेकिन होती तो है। क्लाइमेट चेंज में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश हुई है, हालांकि ये सब यहाँ पे जो है थ्योरी वाली लिखी है। जिंदगी जो है असली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और बहुत अलग होती है थ्योरी से। खैर ये है यूपी का सेंसस का डेटा, सेंसस भी हम लोग कर चुके हैं, हालांकि करेंगे इसको फिर से, ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली डेटा है सब, उसको इजी कैसे किया जाए इस पे काम चल रहा है अब, ठीक है। ये यूपी की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से कितनी थी, ये थी जो है करीबन 19 करोड़ समथिंग थी, 20 करोड़ के आसपास थी, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 16.5% था। और अर्बन पॉपुलेशन इसमें से परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन कितनी थी, 22.27, ठीक है। यूपी की अगर यूपी में मतलब टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें अर्बन एरिया वाली पॉपुलेशन कितनी है, नंबर वाइज 22.27%, बाकी सब लोग रूरल एरिया में रहते हैं 77.73%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 829, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है उसमें 829 लोग घुसे हुए हैं। इंडिया की कितनी है ये जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। 19th लाइव स्टॉक सेंसस की यहाँ पे बात करी गई है। इस वाली रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां मैंने निकाल दी यार, अब लोग कहेंगे कि यार तुम उसमें भी खामियां निकाल लो। देखिए जैसे अभी मैं ये अगर दिखाऊं आपको, सबसे ऊपर जो मैप था उसमें मैंने कई सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये जो है आपका मैप है, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे ऊपर जो सबसे पहला मैप था ना, ये देखिए यहाँ पे शामली नहीं लिखा हुआ था, जबकि शामली जो है यूपी का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मुझे लिखना पड़ा। बहुत सारी खामियां हैं इसमें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी जो यूपी वाला पार्ट है, हालांकि चलिए ज्यादा स्मार्ट नहीं बनते हैं इसमें, आगे की तरफ चलते हैं, जो भैया जो मुद्दा है वो करते हैं आगे, ठीक है। ये वाली चीजें, ये अब देखिए ये जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है इस समय, पहले यूपी पहले भी हाईएस्ट था टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में, अभी भी हाईएस्ट है लेकिन पॉपुलेशन गिर गई है, ठीक है। पहले कितनी थी, 68.7 मिलियन थे ये टोटल मिला के, ठीक है। अब कितना हो गया, 67.8 मिलियन। अभी भी यूपी नंबर वन पे, नंबर टू पे राजस्थान है, नंबर थ्री पे मध्य प्रदेश है। ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस का ग्राफ है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। टोटल अच्छा ये बताइए, ये तो शहरी आबादी होगी कि भैया जो है शहरी आबादी यूपी की 22.27% है, शहरी आबादी का क्षेत्र कितना है यूपी का ये बताइए, ये कमेंट करके बताना है क्षेत्र कितना है एब्सोल्यूट एरिया में और परसेंटेज वाइज। ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं ना, कुछ लोग जो है उसको लाइटली लेते हैं, प्लीज आप लोग एक कमेंट तो यहां पर लिख दिया करो यार, वो उससे कम से कम, और बिना देखे बुक से लिखा करो, अगर सही बात आता है तभी लिखा करो, ठीक है, भले ही गलत हो जाए कम से कम उसमें रिवीजन होता रहेगा, ठीक। तो ये सब चीजें बता चुके हैं। हाँ एक चीज और है, यूपी में भैया 5 प्रकार के वन समूह है, ठीक है, और 28 वन प्रकार में जो है विभाजित किया गया है, बाकी वही सब चीजें हैं। 1968 वाला जो चैंपियंस एंड सेट क्लासिफिकेशन था उसी को फिर से यहाँ पे अपनाने की कोशिश करी गई है, ये वाला हम लोग देख चुके हैं पूरा। एक ये रिकॉर्ड बनाया गया था 2019 में 9 अगस्त को, 22.5 करोड़ से ज्यादा जो है पौधे एक साथ लगाए गए थे, वृक्ष महाकुंभ यहाँ पे आयोजित किया गया था, 2 रिकॉर्ड बने थे उस टाइम पे। ये देखिए ये न्यूज है, और ये सब कुछ इसको भैया यहाँ पे करना पड़ता है, क्या करेंगे यार, फिर भी लाइक नहीं करते हो तुम लोग। खैर यूपी में देखिए गिनीज बुक में 2 है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड बने हैं गिनीज बुक में। एक तो ये है कि 66,000 प्लांट जो है आपको एक ही दिन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, और दूसरा एक रिकॉर्ड क्या है कि प्लांट भी कर दिए गए थे 22 करोड़ से ज्यादा। ये 2 रिकॉर्ड है। अच्छा इसको जो है स्टार्टिंग किस वृक्ष से की गई थी, किसने की, योगी जी ने की, किस डेट को, किस 9 अगस्त 2019 को, ठीक है, 77वीं एनिवर्सरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, ठीक है। किस पौधे को स्टार्ट करा गया था, किस पौधे से जो है प्लांटेशन पे चालू किया गया था, हरी शंकरी से, और ये कहां पे लगाया गया था, जैती खेड़ा जो है लखनऊ में, यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये सारा डेटा यहाँ पे करने की कोशिश करी गई है ताकि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो कौना जो है कौनो टेंशन की बात नहीं है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, सारी चीजें जो है हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ट्री वाला भी मैं बता चुका हूँ, 7,342 स्क्वायर किलोमीटर का है ये टोटल जो है वो यही है, ट्री में 100 स्क्वायर किलोमीटर का घटा है, आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इसमें जो है कार्बन स्टॉक भी मैंने शुरू में ही बता दिया था, वही चीजें यहाँ पे दोबारा लिख रही है कि जो कार्बन स्टॉक कितना है इसमें, 115 मिलियन टन है, जो कितने CO2 के इक्विवेलेंट है, 424 मिलियन टन के इक्विवेलेंट है, इंडिया का इस समय 1.62 है।
समझ में, ये सब मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए पहले दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया ये सब हम लोग कर चुके हैं, देखिए आसान कैसे बनाया जाता है चीजों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे सब दे दी गई। अब उसमें भी कार्बन स्टॉक का क्लासिफिकेशन है कि कैसे कैसे है। एसओसी वाला जो है डेटा एक बार देख लीजिए, इतना है 115 मिलियन टन में से 70 मिलियन टन ये है, ठीक है। फिर ये कुछ कुछ डोमिनेंट स्पीसीज है, ये वैसे तो बहुत ये अलग क्वेश्चन आना नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर फिर भी कोई चीज छोड़ नहीं रहा है तो ये भी भैया कर लिए कि डोमिनेंट ट्री स्पीसीज जो है ट्री आउटसाइड वो फॉरेस्ट वाली टॉप फाइव कौन सी है, ये दो लिस्ट है यहाँ पे। तो ये टॉप फाइव ट्री स्पीसीज है आपकी टीएफ रूरल वाले एरिया में और ये अर्बन वाले में है। ये पांचों के नाम आप देख लीजिए, मैग्निफेरा इंडिका ये रूरल वाले में है, यूकेलिप्टस हो गई, पॉपुलस हो गई, एजा डिराटा इंडिका बहुत जो है कठिन नाम है, एकेसिया और अरेबिका जो अंग्रेज लोग होंगे हमारे स्टूडेंट में से वो इसको देख लेंगे, इसको देख लेना है मतलब, ठीक है। ये अर्बन वाला है, इतना जरूरी नहीं है इसलिए इसको बता नहीं रहा हूँ, एक बार ऐसे देख लीजिए अब आ गई है तो, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे ये क्या है मेजर एनटीएफ, ये भी इतना जरूरी नहीं है, ये कुछ अदर पॉइंट है। ये रिपोर्ट 30 दिसंबर को ये जारी करी गई थी। आईएसएफआर जो है रिपोर्ट हर दो दो साल में आती है, कौन तैयार करता है इसको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में वो तैयार करता है। 1987 से रिपोर्ट आ रही है लगातार ये, और अभी तक इस बार जो आई है 2019 में वो 16वीं रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इस 16वीं रिपोर्ट में रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त जो यहाँ पे डेटा है उसका यूज किया गया है। उसके बाद देखिए 20th लाइव स्टॉक सेंसस का हम लोग बताएंगे, लेकिन ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए 20th लाइव स्टॉक सेंसस में देखिए 19वां कब होता 2012 में, 20वां कब हुआ 2019 में, उसमें 4.6% जो है लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई एकदम ध्यान से करेक्ट बताइएगा, यूपी में इस समय कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी वाइल्ड जो है वो कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एग्जैक्ट, और कितनी रामसर साइट है, ये वाला डेटा चाहिए, इसको रट लो, खा लो, चबा लो इसको, ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आप नहीं बताओगे तो हम तो बताएंगे अगले वाले में, लेकिन अभी आप बता दो अगर आप बता सकते हो तो। एक तो मैप है, लैंड यूज पैटर्न है कि कैसे कैसे यूपी में कैसे कैसे कौन कौन सा एरिया वाला जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है आपका 240,000 समथिंग है स्क्वायर किलोमीटर, कितना जो है लैंड यूटिलाइजेशन प्ले करते हैं ये 24,000 वही एग्जैक्टली जो है कितना जो है वो फॉरेस्ट वाला कितना है वो मैंने बताई दिया आपको, और बाकी इसमें इतना है नेट एरिया जोन कितना है ये आपका इतना है, ठीक है। 68.67% जो है एरिया ये टोटल नेट एरिया जोन है, ये वैसे यूपी जीके का पार्ट है, इसमें आ गया है तो एक बार देख लीजिए, इतना जरूरी नहीं है। ये वेटलैंड जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कितने हैं, नंबर कितना है 2351 और एरिया कितना है 42,224 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, सॉरी 224 ये इतना हेक्टेयर का है ये, ठीक। ये कितना परसेंटेज टोटल अगर आप देखेंगे ये ग्रीन वॉश एरिया का, ये है आपका 3.14%। एक आध और जो है यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोन, फॉरेस्ट फायर प्रोन जो है यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता है फॉरेस्ट फायर, ये आपका एक्सट्रीमली जो फायर प्रोन मतलब आग लग सकती है वो वाली एरिया से 0.92% है, वेरी हाईली वाला 7% है, हाईली वाला 11% है और मॉडरेटली वाला 17% है और लेस फायर वाला 62%, मतलब ज्यादातर एरिया में आग नहीं लग सकती, सिंपल बात ये है। ये देखिए ये मैप है, इसमें कुछ कुछ दिखाने की कोशिश करी गई, हालांकि ये उसमें भी इतना ब्लर था इसमें भी इतना ब्लर है। इसमें देखिए ये दिख रहा है कि जो ये जहां जहां पे नेपाल के आसपास जो है ना ये तहरी वाले जितने भी है खीरी वाले जो एरिया है लखीमपुर खीरी में बहुत ज्यादा टेराई वाला एरिया है वो वाले में, और यहाँ यहाँ पे कुछ कुछ एरिया है जहां पे फॉरेस्ट की जो है आग लग सकती है, बस ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला आप देख लीजिए कार्बन स्टॉक वाला मैंने बताई दिया आपको, सेम टू सेम है। बंबू का स्टॉक अगर आप देखेंगे ग्रोइंग स्टॉक जो है कितना है वो है 0.77% है पूरे इंडिया का। जो पांच टाइप बताया था चैंपियंस और जो है सेफ क्लासिफिकेशन ने, वो पांच टाइप ये वाले हैं, इसका नाम देख लीजिए क्या पता कहीं आ जाए, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, लिटरल और स्वयं फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये पांचों टाइप के जो है पांचों टाइप ग्रुप फॉरेस्ट जो है ये यूपी में पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, पांच है ये, ठीक है। और इसके अगर आप 28 सब टाइप करोगे तो वो ये वाले हैं,
ठीक है, ये फॉरेस्ट टाइप है। अब इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं, बहुत लंबे लंबे नाम है, इसको जो है जरूरत नहीं है इतनी, वो पांच जो है वो जरूरी थे। इसी के साथ ये खत्म होता है। दो तीन क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप जो है इसके आंसर देना चाहें। पहली बात मैंने बताया कि यूपी वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा, यूपी में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व कितने कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर अभी तक का अपडेटेड बताना है। सोनभद्र, अभी जितना मैंने पूछा यहाँ पे उससे पूछ रहा हूं, सोनभद्र कितने जिलों से बाउंड्री शेयर करता है, उन राज्यों के नाम बताइए। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला यूपी का कौन सा है आखिर, ठीक है। उसके बाद यूपी से सटे राज्यों की संख्या, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर कर दिया है। यूपी से हाईएस्ट सीमा एमपी की है, 11 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है आपको बतानी है। हिमाचल प्रदेश की लोवेस्ट है, इसकी लेंथ कितनी है आपको बतानी है। प्रदेश की कुल आबादी का नगरीय क्षेत्र कितना है आपको बताना है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, लेकिन जिंदा रहने का एहसास जरूर दिखा के जाना। ऑल द बेस्ट है।